आपने YouTube पर देखा होगा कि लोग कुछ इस तरीके से शॉर्ट फीड में लाइव स्ट्रीम करते हैं और इससे उनके चैनल पर अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं और सब्सक्राइबर्स का जो क्राइटेरिया होता है वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो आप भी इस तरीके से शॉर्ट फीड में लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट फीड में लाइव स्ट्रीम करने से क्या होता है, आपकी जो लाइव स्ट्रीम होती है वो जो है शॉर्ट फीड्स में जाती है, ठीक है। जब स्वाइप करते हैं तो वहां पर आपकी लाइव स्ट्रीम शो होती है और इस तरीके से आपकी जो लाइव स्ट्रीम होगी उसमें अच्छे खासे व्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे और साथ साथ में आपके सब्सक्राइबर्स भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और अगर आप गेम प्ले वगैरह करते हैं तो आप यहाँ पर शॉर्ट फिल्म में लाइव स्ट्रीम करके अपना गेम प्ले वगैरह भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट फिल्म में आपको लाइव कैसे करना है, तो क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हुआ जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाए। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा प्यार सा कॉमेंट जरूर करें, क्योंकि कॉमेंट से ही मैं यहाँ पर रैंडम कॉमेंट विनर को पिक करूंगी, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपने यूट्यूब को ओपन करना है, ठीक है। यूट्यूब एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है और जिस अकाउंट से आप यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये प्लस का साइन दिखेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस दिखने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन मिलता है, शॉर्ट्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पे लाइव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और पोस्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये चार पांच ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं। अब आपको लाइव स्ट्रीम करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये लाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रखना है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका जो फेस है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो शॉर्ट फीड में आपको लाइव करना है तो आपको इसी तरीके से अपने मोबाइल को पकड़ के रखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको ये एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर सीधा क्लिक कर देना है तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अपनी लाइव स्ट्रीम का एक टाइटल डाल देना है, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर पड़ा हुआ है नीलू वर्मा इज लाइव, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक टाइटल पड़ा हुआ है, आपको यहाँ पर जो भी अपनी स्ट्रीम का टाइटल रखना है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलता है विजिबिलिटी वाला, इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक होता है पब्लिक, यहाँ पर दूसरा है मेंबर्स ओनली, इसके बाद में अनलिस्टेड, ठीक है। हो सकता है कि आपके चैनल पर यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शंस आ रहे हो, पब्लिक और अनलिस्टेड। अगर आपने यहाँ पर मेंबरशिप ऑन नहीं कर रखा होगा अपने चैनल पर तो ये मेंबर्स ओनली वाला ऑप्शन आपके में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आपके में यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन आ रहे होंगे, पब्लिक और अनलिस्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए लाइव स्ट्रीम करना है तो आपको यहाँ पर सिंपली पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रखना होगा, आपको यहाँ पर पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर अनलिस्टेड पे क्लिक करके रख रही हूँ। वैसे आपको यहाँ पर जब मतलब कि आप लाइव करेंगे तो आपको यहाँ पर पब्लिक वाले ऑप्शन को इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर बैक करना है। फिर यहाँ पर आपको जो एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन और मिलता है वो है यहाँ पर ऑडियंस वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस तरीके से दो ऑप्शन मिलेंगे, इनमें दोनों में ही आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करके रखना है, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, और उसके बाद में यहाँ पर नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18, ठीक है। दोनों में ही आपको यहाँ पर नो नो सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान से नो ही सिलेक्ट करके रखिएगा, अगर आप यहाँ पर यस वाला सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो आपको यहाँ पर ध्यान से नो वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करके रखना है, जिससे कि आपकी जो लाइव स्ट्रीम होगी वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और आपकी स्ट्रीम पर ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा लोग आपकी स्ट्रीम में कनेक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद में ये करने के बाद में आपको यहाँ पर बैक जाना है और इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको जो तीसरा ऑप्शन देखने को मिलता है गो लाइव टुगेदर वाला। तो अगर आप मान लीजिए किसी और के साथ लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, किसी को अपनी स्ट्रीम में इन्वाइट करना चाहते हैं, जैसे कि होता है ना आपने देखा होगा कि कुछ दो लोग यहाँ पर मतलब लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, मतलब दो यूट्यूबर्स मिलकर के लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपको ये करना है मतलब किसी और के साथ में स्ट्रीम करनी है तो आपको यहाँ पर गो लाइव टुगेदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको जिसके साथ भी स्ट्रीम करनी है उसको आप यहाँ पर इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको क्लिक नहीं कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर किसी को इन्वाइट करना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से इस पर क्लिक करके इन्वाइट कर सकते हैं, मतलब किसी भी यूट्यूबर को जिसके साथ भी आप स्ट्रीम करना चाहें उसको यहाँ पर इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप अपनी जो स्ट्रीम है उसका एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इसमें आप कीवर्ड्स वगैरह डाल सकते हैं, हैशटैग वगैरह डाल सकते हैं और अपनी जो दूसरी वीडियोस होंगी उनका लिंक भी आप यहाँ पर जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन डालते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी लाइव स्ट्रीम में भी एक डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पर अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसको आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक जाना है। अब यहाँ पर अगर आपको लोकेशन डालनी है मतलब कि आप कहाँ से लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, लोकेशन वगैरह आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी लोकेशन भी मेंशन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद में आपको देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलता है वो है स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन। तो बहुत सारे लोग यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए आराम से समझिए, आपको अगर अपने मोबाइल स्क्रीन को यहाँ पर लाइव करना है, यानी कि आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है अगर आपको उसको अपनी मतलब लाइव में दिखाना है, उसको आपको स्ट्रीम में दिखाना है, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन कास्ट वाला ऑप्शन को ऑन करना होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर गेम प्ले वगैरह करना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि फ्री फायर वगैरह लोग खेलते हैं या फिर किसी भी तरीके का गेम लोग खेलते हैं, तो अगर आपको उसको दिखाना है और साथ में आपको अपना फोटो वगैरह भी दिखाना है, मतलब कि अपनी वीडियो भी आपको दिखानी है, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन कास्ट वाला ऑप्शन ऑन करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर गेम प्ले वगैरह दिखाना है तो आपको यहाँ पर ऑन करना है। ठीक है, अगर आप इसको देखिए ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर एड गेम टाइटल ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर गेम टाइटल, जो भी आपका गेम आप खेलेंगे उसका आपको यहाँ पर एक टाइटल जैसे कि डाल देना होगा। ठीक है, अगर आपको ये मतलब गेम वगैरह दिखाना है तो ये ऑप्शन आपको करना है। ठीक है, अगर आपको गेम वगैरह नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको खुद को ही स्ट्रीम में दिखाना है, मोबाइल स्क्रीन को आपको नहीं दिखाना है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को, स्क्रीन कास्ट वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर बंद कर देना है। और हाँ, आपको स्क्रीन कास्ट वाला लाइव स्ट्रीम कैसे करना है, यानी कि अपनी मोबाइल स्क्रीन को आपको लाइव स्ट्रीम कैसे करना है, इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो पहले ही बनाई है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर आप यहाँ पर अपना गेम प्ले वगैरह दिखाना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर गेम प्ले वगैरह नहीं दिखाना है, सिर्फ खुद को ही आपको यहाँ पर स्ट्रीम में दिखाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सीधा एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन में पहले तो जाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये दो ऑप्शन मिलेंगे, अलाउ चैट और अलाउ रिएक्शन, तो इन दोनों को ही आपको यहाँ पर ऑन करके रखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ऑन है, तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी स्ट्रीम में जुड़ेंगे, मतलब कि जो लोग भी आपकी स्ट्रीम में जुड़ेंगे वो यहाँ पर चैट कर सकते हैं, मतलब कि कमेंट वगैरह कर सकते हैं और रिएक्शन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पर ध्यान से ऑन करके ही रखना है। अब अगर मान लीजिए आप अपनी स्ट्रीम में कोई पेड प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पर आप स्पॉन्सरशिप वगैरह कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर स्पॉन्सरशिप वगैरह कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऑन करना है, बाकी आपको ऑन नहीं करना है। अब इसके बाद में यहाँ पर मोनेटाइजेशन का इनेबल करने का ऑप्शन आपको मिलता है, तो इसको तो आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है। ठीक है, अपनी स्ट्रीम में आपको मोनेटाइजेशन को ऑन करना है। अगर आपका चैनल यहाँ पर मोनेटाइज है तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपके में ये वाला ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा होगा, और अगर आपका चैनल यहाँ पर मोनेटाइज होगा तो ये ऑप्शन आपके में आ रहा होगा, तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपनी स्ट्रीम से भी यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, स्ट्रीम से भी आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, जितने भी व्यूज आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है रेवेन्यू वगैरह जो है वो मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो ये है, यहाँ पर ओरिएंटेशन का ऑप्शन आता है, यानी कि आपको अपनी स्ट्रीम को किस तरीके से यहाँ पर लाइव करना है, मतलब कि वर्टिकल में आपको लाइव करना है, जैसे कि मैंने इस फोन को सीधा रख रखा है ना वर्टिकल में, ऐसे अगर आपको यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करना है तभी आपकी जो स्ट्रीम है वो शॉर्ट फीड में जाएगी, मतलब कि आपने देखा होगा ना शॉर्ट्स वगैरह आप देखते होंगे तो वहां पर जो है कुछ लोगों की लाइव स्ट्रीम वगैरह भी शो होती है, तो वो लोग यहाँ पर वर्टिकल में ही करते हैं, तो वर्टिकल में ही आपको यहाँ पर करनी है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर लिख के भी रखते हैं कि बेस्ट फॉर मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग एंड स्ट्रीम आर शोन इन द शॉर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर ये लोग मेंशन करके भी रखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से अगर आप स्ट्रीम करेंगे तो आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो यहाँ पर शॉर्ट फीड में भी शो होगी। बाकी इसके अलावा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन भी है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल वाला करना चाहते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल वाले पे क्लिक करना है, फिर आपका जो मोबाइल होगा वो कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रीम दिखेगी। अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाला नहीं करेंगे, वर्टिकल वाला करेंगे, तो आपका सीधे सीधे कुछ इस तरीके से लाइव स्ट्रीम रहेगी और वो आपकी स्ट्रीम जो होगी वो शॉर्ट फीड में भी जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर वर्टिकल वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर बैक करना है, फिर से बैक करना है। अब ये एडवांस सेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर हो गया, इसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सीधा क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी जो लाइव स्ट्रीम है उसमें आप यहाँ पर थंबनेल भी लगा सकते हैं, ये एडिट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपलोड थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो गैलरी होगी, फोन की गैलरी होगी, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर अपनी लाइव स्ट्रीम में जो भी थंबनेल लगाना चाहते हैं, जो भी आप पहले से बना के रखे होंगे उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो वो यहाँ पर आपकी जो मतलब स्ट्रीम में थंबनेल होगी वो यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर चाहे तो अपनी लाइव स्ट्रीम के लिंक को कुछ इस तरीके से यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये जो एरो वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके अगर अपनी लाइव स्ट्रीम का लिंक किसी को शेयर करना चाहे व्हाट्सएप वगैरह पे तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर गो लाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैंने अभी जैसे कि यहाँ पर अनलिस्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया था ना, अगर मैंने यहाँ पर पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक किया होता तो यहाँ पर मेरी जो
स्ट्रीम है वो स्टार्ट हो चुकी होती और यहाँ पर कुछ लोग कनेक्ट भी हो गए होते, ठीक है। तो आपको वहां पर जो मैंने बताया था ना, वहां पर आपको पब्लिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैंने तो यहाँ पर अनलिस्टेड वाला सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर स्ट्रीम जो है वो चलने लगेगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टाइमिंग कुछ इस तरीके से शो हो रही है, जैसे कि अभी 21:22 हो गया है और आपकी लाइव स्ट्रीम में जितने लोग भी कनेक्ट होंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जितने भी लाइक्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको शो होंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये कैमरा का ऑप्शन भी है, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर फ्रंट वाले में आप यहाँ पर क्लिक करके रखा है, तो आप इस पर अगर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। तो अगर आप बैक में कुछ यहाँ पर स्ट्रीम में दिखाना चाहते हैं तो आप उसको भी दिखा सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर ये फिल्टर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो अगर आप फिल्टर वगैरह कुछ लगाना चाहें तो उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लाइव स्ट्रीम करते टाइम पे आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है, ये यहाँ पर वॉइस का ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी लाइव स्ट्रीम में वॉइस नहीं आएगी, मतलब कि आपकी जो वॉइस है वो नहीं स्ट्रीम में जाएगी। तो कुछ लोग यहाँ पर ये गलती कर देते हैं, वो यहाँ पर इस ऑप्शन को यहाँ पर ऑफ कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से इस ऑप्शन को ऑन करके ही रखना है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग यहाँ पर अपनी लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं तो उसका एक हाईलाइट पहले से ही दिखा देते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो बॉक्स जैसा ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी जो लाइव स्ट्रीम होगी उसका एक हाईलाइट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर पहले से ही मतलब कि अपलोड हो जाता है, ठीक है। आपके चैनल पर वो अपलोड हो जाएगा, ये बॉक्स वाला ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर देखिए हाईलाइट वाला जो ऑप्शन है मतलब कि हाईलाइट जो होगी आपके मतलब स्ट्रीम की हाईलाइट होगी वो यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे के साइड में भी कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पर ये एक ऑप्शन देखने को मिलता है लाइव चैट वाला ऑप्शन। यहाँ पर देखिए जो मैसेजेस है सारे मैसेजेस यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, जैसे मेरे पे क्लिक हो रखा है ना, ऑल मैसेजेस आर विजिबल। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि मान लीजिए आपके में कुछ स्पैम वगैरह मैसेजेस आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस वाले पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले पे, सब मैसेजेस सच एज पोटेंशियल स्पैम मे नॉट बी विजिबल, ठीक है। तो स्पैम वाले जो होंगे वो आपके में विजिबल नहीं रहेंगे, वो अपने आप ही हट जाएंगे, ठीक है। और सुपर चैट वगैरह के लिए आपको यहाँ पर ये सब ये ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब इसके बाद में आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी लाइव स्ट्रीम में पोलिंग वगैरह भी कराते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से स्टार्ट अ पोल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर कोई भी पोलिंग वगैरह भी करा सकते हैं, मतलब कि अपनी लाइव स्ट्रीम में आप यहाँ पर पोल भी करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए सारे ऑप्शंस बता दिए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल से आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पर जैसे कि सारे ऑप्शंस मैंने आपको क्लियरली समझा दिए हैं, अब आपको जब अपनी लाइव स्ट्रीम को एंड करना होगा तो आपको यहाँ पर क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और आपकी जो स्ट्रीम है वो यहाँ पर बंद हो जाएगी, आपको ओके पे क्लिक कर देना है और आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो यहाँ पर एंड हो जाएगी। उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रीम पे जितने भी व्यूज आएंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, टोटल वॉच टाइम जो भी आपको मिलेगा वो सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा, एवरेज व्यू ड्यूरेशन दिख जाएगा, चैट रेट दिख जाएगा और आपकी जो लाइव स्ट्रीम है उसका आपने कितनी देर तक स्ट्रीम किया है वो ड्यूरेशन वगैरह आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है और आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से ये पब्लिश हो गई है। और हाँ, अगर आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन को लाइव स्ट्रीम करना है, अगर आप गेम प्ले वगैरह करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई है कि आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लाइव स्ट्रीम कैसे करना है, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको वहां पर प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि मोबाइल की स्क्रीन को लाइव स्ट्रीम कैसे करना है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आ गई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।